In previous class, we complete our chapter. Now today we start meanings. Then our this chapter's exercise. Okay. Some meanings I write on blackboard. उसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. पहले ये डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद. ओके, नाउ स्टार्ट मीनिंग्स. फर्स्ट लिक्विड. लिक्विड यानी तरल पदार्थ जो पानी के स्वरूप में रहता है, जो उस शेप नहीं रहता उसका. दिस इज ए लिक्विड तरल. सॉलिड यानी ठोस जिसका एक पर्टिकुलर शेप रहता है. वेसल बर्तन. डिसॉल्व, यस डिसॉल्व घुलना, डिसॉल्व घुलना. फ्लोएट तैरना, फ्लोएट तैरना. स्टिंग भाप, स्टिंग भाप. वेपर बाष्प, वेपर बाष्प. सोर्स स्रोत, सोर्स स्रोत. स्प्रिंग्स झरना, स्प्रिंग्स झरना. इम्प्यूरिटीज गंदगी, इम्प्यूरिटीज गंदगी. प्यूरिफाई शुद्ध और शुद्ध करना, प्यूरिफाई शुद्ध करना. कंडेंस द्रवीकरण करना, कंडेंस द्रवीकरण करना. यानी जब ये क्या वेपर ठंडा हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है, वो कंडेंस. पॉन्ड तालाब, पॉन्ड तालाब. लेक झील, लेक झील. एंड देन प्रीशियस कीमती, प्रीशियस कीमती. प्रीशियस यानी वाटर इज प्रीशियस, पानी कीमती है, उसे हमें नॉट वेस्ट, ओके, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिक द करेक्ट आंसर, ओके. यस, पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लो अच्छे से, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट डाउन कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट वाटर इज ड्रॉन out from the earth flow. पृथ्वी से पानी हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पॉन्ड. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है रिवर्स. एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है हैंडपंप. पृथ्वी के अंदर से पानी हम किससे निकालेंगे, हैंडपंप से. तो ये क्या आएगा, हैंडपंप को ठीक करना है. पॉन्ड और रिवर्स जो है ये सारे सरफेस वाले जमीन पर रहते हैं, ये पानी जमीन में प्राप्त होता है, और हैंडपंप जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है. सेकेंड वाटर चेंजेस into snow
का रूपांतरण बर्फ में होना यानी स्नो में होना ये किससे होता है? स्नो में, यस स्नो में किससे होता है? वाटर को क्या किया जाता है? हीट करने पर, कोल्ड करने पर या रेन करने पर? हीट करने से स्नो होगा क्या? नो। कोल्ड यानी ठंडा करने से क्या होगा? स्नो होगा या नहीं होगा? देखो हीट से तो वेपर बनेगी, कोल्ड से क्या होगा? स्नो होगा। तो यहाँ आंसर आएगा स्नो। एंड रेन से तो नॉट पॉसिबल। ओके देन नंबर थ्री, यस स्नो में होगा, क्लाउड्स नहीं होगा। क्लाउड्स कब होंगे? जब वो अलग अलग ड्रॉपलेट्स है वो सारे एक साथ इकट्ठे होते तब जल क्या होगा? क्लाउड्स तैयार होता है। रेन तो पॉसिबल नहीं है, क्लाउड भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? स्नो। अब फिर से देखो, वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द अर्थ थ्रू किसे होता है? हैंडपम्प। वाटर चेंजेस इंटू स्नो ड्यू टू कोल्ड, सर्दी की वजह से वाटर का चेंज किस में होता है? स्नो में होता है। द फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेन, क्लाउड और स्नो। ओके अब अपने नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। आपको वाटर साइकिल का डायग्राम पहले ही करवा दिया है तो वापस करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पीरियड फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए